हेलो एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीटी यू एंड इट्स डॉली। सो गाइस, ममा अर्थ का जो डार्क सर्कल्स की जो क्रीम है, मैं आज उसी का रिव्यू आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये जो क्रीम है ये कहती है कि बाय बाय टू डार्क सर्कल्स, और हम देखते हैं कि क्या ये सही में क्रीम बाय बाय करती है कि डार्क सर्कल्स को। सो गाइस, इसी का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये जो क्रीम है इट इज फॉर द डार्क सर्कल्स, दैट इज द सिलिकॉन एंड पैराबेन फ्री है। ये लॉजिकली टेस्टेड है एंड सभी स्किन टाइप्स के लिए ये सुटेबल है। 20 ग्राम के नेट कंटेंट में ये आई हुई है। अब मैं सबको अनबॉक्स करके बताती हूं। सो दिस इज द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस क्रीम, और ये क्रीम है कुछ ऐसी है। आई एम गोइंग टू शो यू। फ्रेगनेंस इसकी अच्छी है, ठीक है, माइल्ड फ्रेगनेंस है, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड ये थोड़ी सी स्टिकी है, ऑयली टाइप लग रही है मेरे को ये, और इसको थोड़ा सा स्किन में एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लग रहा है। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बताती हूँगी। आपको रात में सोने से पहले ना आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। फेस को वॉश करने के बाद ना बिल्कुल ये जो क्रीम है ना, ये इस क्रीम को बिल्कुल टिप ऑफ जितने अभी मैंने लिया है बस इतना लेके ना आपको आपके आईज के नीचे इस तरीके से लगाना है, और सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 आपको इसको सर्कुलेट करना है अच्छे से। और जैसे ही आपकी जो एब्जॉर्ब हो जाएगी ना क्रीम, उसके बाद आप लोगों आपको सर्कुलेशन करना बंद कर देना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सर्कुलेट करना है आपको डार्क सर्कल्स के लिए। मतलब आपके जैसे डार्क सर्कल्स जैसे बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि कुकुम्बर की भी है तो वो काफ़ी कुकुम्बर आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैंने इसको थोड़े समय से अप्लाई कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ तो अभी कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ में बता नहीं सकती कि क्या रिजल्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं लग रहे, बट हाँ आप वंस ट्राई करके देखिए कि आपको क्या रिजल्ट आता है इसका। ओके एंड अगर जैसे ही आप इसको आईज के नीचे लगाते हैं ना, और आपकी आईज में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है या आपका जो आईज है वो बहुत ज़्यादा वॉटरी हो जाती है, तो जल्दी से आप इसे रिंस आउट करिएगा। दूसरी चीज़, इसको लगा के आपको धूप में नहीं जाना है। और तीसरी चीज़, आपको किसी ठंडी जगह पे या इसको कहीं ऐसे रखना नहीं है, या गर्म, आपको इसको कहीं गर्म जगह पे नहीं रखना है, हीट वगैरह के पास इसे नहीं रखना। सो अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। सो रात में सोने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है, और इसको अब सर्कुलर मोशन में बिल्कुल लगाना है आपको, अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो ले। और ये काफ़ी स्टिकी लगता है ये मुझे, मतलब 5 मिनट्स लगेगा इसको पूरी स्किन पे एब्जॉर्ब होने के लिए। एंड इसका जो ये ममा की जो है डार्क सर्कल्स की क्रीम है, सो आई होप ये काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सी बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के कारण भी हमको जो डार्क सर्कल्स आना चालू हो जाते हैं, और मुझे भी पहले बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं थे, और अब देखिए बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं फेस पे। सो मैंने भी इसे अभी बुलवाया है और इसको अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया है, तो इसको थोड़े समय यूज़ करने के बाद इसके जो रिजल्ट्स है वो मैं डेफिनेटली फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि ये जो क्रीम है ये मतलब विद इन अ मंथ तक मैं इसको अप्लाई करूँगी, और विद इन अ 1 मंथ के बाद मैं आपको फिर से इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कितना अफेक्टिव रहा मेरे स्किन पर। अगर आप ये क्रीम लेना चाह रहे होंगे तो ये रिव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहूँगा। सो गाइज, Stay tuned, stay connected, be happy, and don't forget to subscribe and like. So guys, bye-bye.